शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल की आई बहू खेतों में खड़ी फसल का मुआयना कर रही है, बगीचों के पेड़ गिन रही है, कल किराए के मकान देखने जाएगी और परसों अपने हिस्से का नोटिस देगी। कमाल है, इसको अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? माता जी, हमें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मगर सच कहा जाए तो आपके लिए दिल मजबूर कर देता है। पिताजी, चिट्ठी। हाँ बेटा, चिट्ठी। किसकी है? आपके छोटे सुपुत्र की है, रानी साहिबा को लिखी है। हाँ, सच पूछो तो पति पत्नी की चिट्ठी खोली नहीं चाहिए, मगर ये मामला तो कुछ कर छोड़िए, मालूम नहीं क्या क्या लिखा होगा। जरा खोलकर तो देखिए लल्ला जी, पता तो चले ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं। नहीं नहीं माता जी, ये ठीक नहीं लगता, रहने दीजिए। इन लोगों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। शोभा, खोल तो तू, पढ़ तो इसे। अच्छा मैम। अरे पप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा बाहर खेल। अरे ठहर बेटा, चल मैं तुझे लड्डू देती हूँ, ले बेटा खा। नहीं नानी, मुझे भूख नहीं है। अरे खा ना, असली घी का है, ले खा। हाँ शोभा, जोर से पट ताकि हम सब सुन सके। मेरी जाने मन सपनों की रानी। तेरे लिए नहीं, उसके लिए लिखा है, आगे बढ़। अपने हर पत्र में मैंने तुम्हें वापस लौट आने को लिखा है, लेकिन तुम एक ही जवाब लिखते हो कि जिस इरादे को लेकर मैं यहाँ आई हूँ उसे पूरा करके ही लौटूंगी। लल्ला जी, क्या इरादा होगा उसका? और क्या होगा माता जी, अपना हक साबित करना चाहती है, खेतों और बगीचों से शुरुआत की है। करने दो, मैं भी देखती हूँ आगे पर क्या लिखा है। हमारी माता जी का रूप तो तुमने देख ही लिया होगा, साक्षात महामाया है वो, हुकूमत और पैसे के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अरे राम 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 राम, देख लिया माता जी, ये बदला है माँ के एहसानों का। आगे पर क्या कहते हैं हमारे कुलदीपक साले साहब? भगवान भी उनकी तंदिली और जुल्मों को कम नहीं कर सकता, हमारी बड़ी है। रुक क्यों गई? आगे पढ़ना। आगे आप पढ़िए। हमारी बड़ी बहन सौभाग्यवती शोभा देवी आग में घी छिड़कने वाली ननद के फर्ज को अच्छी तरह निभा रही होंगी। ऐसी ननद मैके को कुरेदने वाली छछुंदर होती है। सत्यानाश जाए उसका, अपनी माँ और बहन की बुराई करता है, तौबा। आगे सुनिए, हमारे कर्तव्यगार होलसेल बुद्धिमान जीजा खुबचंद, मेरे ख्याल माता जी आगे आप ही पढ़िए। हमारे कर्तव्यगार होलसेल बुद्धिमान जीजा खूबचंद दी ग्रेट के बारे में मैं क्या लिखूं? इंसानों में भी जानवरों के कुछ गुण होते हैं, कुछ लोग तो गाय की तरह सीधे होते हैं, कुछ शेर की तरह शूर और दिलदार, लेकिन श्री खूबचंद जी मक्कार गिदड़ के किस्म के हैं। ये क्या करें माता जी, आप ये क्या करें? हम सभी का नाम मिट्टी में मिला रहा है कलमुआ, पढ़ूं क्या खाक? नीचे मत फेंकिए माता जी, नीचे मत फेंकिए, कोई देख लेगा तो। दादी, माँ चाची कहाँ गए हैं? जहन्नम में। दादी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, मुझे भी भूख लगी है। तुमने पप्पू को लड्डू दिए ना, मुझे दो ना। रसोई में रोटी और अचार रखा है, जा खा मर। नहीं, मैं रोटी अचार नहीं खाऊंगी, ये लड्डू चाहिए। लड्डू चाहिए, जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी।
लड्डू चाहिए, लड्डू खाएगी। लड्डू खाएगी, मेरी बासु बच्ची को न मारिए। अरे वाह, एक तो लड़की पैदा करके हमारा सर नीचा कर दिया और ऊपर से जवाब देती है, किसने सिखाया मालूम पड़ता है। तुझे तुझे अभी ठीक करती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप माँ जी, इनके क्या दोष है? दीदी बिना को लेकर अंदर जाइए। तो मुझे रोकने वाली कौन होती है, तेरी ये हिम्मत? माता जी आप शांत रहिए, बड़े बूढ़ों को तो चाहिए कि अपना दिमाग शांत रखें। मैं पूछता हूँ क्या मामला है, क्यों दुर्गा देवी देख आई खेत बगीचे? हाँ। अब किराए के मकान भी देख लो, मकानों के नाप भी ले लो और किराए का हिसाब भी कर लो। हमारे घर के मामले में किसी बाहर वाले को बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये बाहर के नहीं, बाहर की तो तू है और कब्जा करना चाहती है। बता क्यों सिल्ली को लेकर खेतों पे गई थी? अपने आदमी और फार्म देखने, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं की मैंने। हाँ ठीक भी तो नहीं किया, माता जी की ओर से कह रहा हूँ कि ये लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये लक्षण ठीक दिखाई नहीं दे रहे, किसी दिन मुसीबत में डाल देंगे। हाँ दोताराम, तुम मैंने शादी करना चाहते हो? यस सर, लेकिन सर शादी के बाद मैं आपके पास क्वार्टर में नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टर का दरवाजा छोटा है ना, इसलिए मैंने एक गैरेज ले लिया। हाँ, देखे, देखे। काका तुम्हारी क्या राय? मैं क्या कह सकता हूँ छोटे मालिक, आप जो ठीक समझे मुझे मंजूर है। मैना तुझे तो कोई एतराज नहीं? काका मैं तोताराम को अच्छी तरह से जानता हूँ, ईमानदार है, अपने पांव पर खड़ा है, मुझे पूरा भरोसा है ये मैना को सुखी रखेगा। तो बात पक्की कर दीजिए मालिक, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि कोई बड़ी शानदार शादी करूं, लेकिन उसकी फिक्र आप मत कीजिए, शानदार नहीं तो वजनदार शादी जरूर हो जाएगी। तो दराम मुबारक हो, आज तेरी लॉटरी लग गई और वो भी बम्पर सर। अच्छा ये ले। जी जी मैं दहेज नहीं लूंगा। नो मूर्ख, तुझे दहेज देगा कौन, ये मिठाई के लिए है। छोटे मालिक ये पैसे तो मुझे देने चाहिए। काका लड़की और लड़का दोनों की तरफ से मैं हूँ, इसलिए हक मेरा बनता है। जैसा आप ठीक समझे। ये ले मिठाई लेके आ और सबका मुंह मीठा करा। जी इसमें तो सिर्फ आधा किलो आएगा, कुछ और दीजिए ना प्लीज। मैं जाऊँ? जी जी आओ। बाय बाय बाय। काका जी घर के क्या हाल है? वैसे तो कोई नई बात नहीं छोटे मालिक, मगर छोटी बहू के आने के बाद वो जो होलसेल दामाद है ना, वो जरा दबक के रहता है। आओ दीदी। दुर्गा कितनी खुश दिखाई देती है ये मछलियां, जब से तुम आई हो इन्हें भी वक्त पे खाना मिलता है। ये बेचारी बेजुबान है, इन्हें भी तो जीने का हक है, लेकिन इस घर में तो किसी किसी को ही जीने का हक है। जानती हो कल करवा चौथ है, औरत के जीवन का सबसे बड़ा त्योहार, लेकिन उसे मनाने का हक इस घर की बेटी शोभा को ही है। ये कैसे हो सकता है, हम भी तो सुहागनें हैं, हम बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाएंगे, मोहल्ले भर की औरतों को इकट्ठा करके गाना बजाना करेंगे। दुर्गा मैं जानती हूँ तुम्हारी ये पहली करवा चौथ है, बड़ी उमंगे हैं तेरे दिल में, मगर माटी के स्वभाव का कोई क्या करे, जिसके हृदय में दया नहीं उसके घर में खुशी कैसी। लेकिन दीदी वो ये भी नहीं सोचती इस त्योहार के दिन उनकी बहुएं उन्हीं की बेटों की लंबे जीवन की कामना करती हैं। माँ जी की आंखों पर अपनी बेटी और दामाद की तस्वीर चढ़ी हुई है, उनके अलावा उन्हें और कोई दिखाई नहीं देता, अपने बेटे भी नहीं बहुएं भी नहीं। कैसी माँ है ये, कैसी सास है। अरे ओ सिल्ली कहाँ आ गई?